वेलकम टू माई चैनल चीज बैक्स। टुडेज रेसिपी इज रेड पम्पकिन स्वीट। हिंदी में आप इसे कद्दू की मीठी पूरी बोलिए, मराठी में हम इसे भोपळ्याचे घारगे ऐसे बोलते हैं। ये महाराष्ट्रियन डिश है। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्रेविंग्स। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। कद्दू ग्रेटेड है 4 कप, गेहूं का आटा 2 कप, गुड़ लिया है 2 कप, सुंठ पाउडर है 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर है 1 छोटा चम्मच, सूजी है 1/2 कप, बेसन लिया है 1 कप, घी 3 बड़े चम्मच और नमक। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच घी डालिए। घी गर्म होने के बाद इसमें हम कद्दू डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है हमें हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है गुड़। उसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर और सुंठ पाउडर। इसे अच्छे से मिलाना है हमें। इसे अच्छे से मिलाइएगा और धीमी आंच पे 15 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। ये देखिए सब गलने के बाद मैं इसे पोटैटो मैशर से मैश करूंगी अच्छे से। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए हमें इसकी। उसके बाद इसे हमें हल्का सा ठंडा करना है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। पहले नमक डाला है मैंने, उसके बाद गेहूं का आटा, बेसन और सूजी डालना है हमें। ध्यान रखिएगा कि जितना आपका मिश्रण है उसी हिसाब से आप आटा डालिए। हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना आटा गूंथते वक्त, इसलिए मैंने उसी हिसाब से आटा डाला था। इसे अच्छे से मिलाएं और अच्छे से आटा गूंथ लीजिएगा। सभी टाइट आटा गूंदा है मैंने यहाँ पे, और इसके छोटे छोटे गोले बनाइए, बॉल बना लीजिए। अब एक प्लास्टिक की शीट लीजिए, उस पर तेल लगाइए और इसे मैंने हाथ से ही पूरी का शेप दिया है। ये देखिए इस तरीके से पूरी का शेप देना है हमें और बीच में एक छेद करना है। इसी प्रकार से आप बाकी के भी घारगे बना लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल डालिए तलने के लिए। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें घारगे डालेंगे। इसे धीमी आंच पे हमें सुनहरा होने तक पकाना है। सुनहरा होने तक इसे पकाइए और इसी प्रकार से आप बाकी के भी घारगे तल लीजिएगा। उसे टिश्यू पेपर पे रखिएगा ताकि सारा तेल निकल जाए उसका, और सर्व कीजिएगा रेड पम्पकिन स्वीट, महाराष्ट्रियन स्टाइल स्वीट पम्पकिन पुरीज़।